नमस्कार, मैं हूं अनीता रावत और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में जब ज्यादातर नेता और सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला हर दूसरे दिन गौला रोकड़ के अस्थायी शमशान घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मेयर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बनाए गए शवदाह गृह में नगर निगम द्वारा चिता के लिए लकड़ी, तेल, हवन सामग्री, पीपीई किट सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोविड महामारी से जिनकी मृत्यु हुई है उनकी अंत्येष्टि के लिए यह सौदा केंद्र बनाया गया है और इसका लगभग प्रत्येक दिन या दूसरे दिन इसका निरीक्षण नगर निगम के अधिकारियों और मेरे द्वारा किया जाता है, ताकि जो लोग इस समय बहुत अधिक दुख और कष्ट में है। हल्द्वानी में राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना काल में 2020 से आज तक 924 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 7973 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं 2020 से आज तक 18,867 लोगों का चेकअप राजकीय सुशीला तिवारी में किया गया। सुशीला तिवारी के ACMO अरुण जोशी ने बताया कि कोरोना के दूसरी लहर में अब संक्रमितों की रिकवरी दर ज्यादा हो गई है। अस्पताल से अधिकांश लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। वहीं अब सुशीला तिवारी के अंदर 210 बेड खाली हो चुके हैं। इससे साफ होता है कि कोरोना की लहर उत्तराखंड में धीरे धीरे कम दिखाई दे रही है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। ये केवल जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उन्हीं को अपनी पकड़ में ले रहा है। ये कहना तो ठीक नहीं कि कम हो गया है, वो नहीं है। अभी अलर्ट रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, वो जो नॉर्म्स हैं, मास्क का सब वो करना ही पड़ेगा। इसमें तो नहीं कि एकदम से बढ़ने में देरी नहीं लगी, इसमें जैसी लापरवाही शिथिलता होगी फिर हो जाएगा। तो अलर्ट तो रहना ही है, थोड़ा सा जो अच्छा ही दिख रही है वो रेट थोड़ा एडमिशन कम हो गया है, वो चीज़ है, बाकी उसमें ठीक है। ब्लैक फंगस आप पूछ रहे थे, ब्लैक फंगस एक नई चीज़ आई है, एक कॉम्प्लिकेशन कह लीजिए। हल्द्वानी में कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करने के लिए शहर की विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की खिदमत करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। इस घड़ी में शुक्रवार को जमीयत उलेमाए हिंद की हल्द्वानी इकाई ने भी कोरोना योद्धाओं, अधिकारियों और डॉक्टर्स को सम्मानित किया, जो कोरोना काल में संपूर्ण समर्पण, निष्ठा और लगातार अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान SP सिटी हल्द्वानी, CEO हल्द्वानी, सिटी मैजिस्ट्रेट, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भसोड़ा, सुशीला तिवारी के CMS डॉक्टर अरुण जोशी, डॉक्टर सक्सेना, वन भूलपुरा थाना SO प्रमोद पाठक को भी सम्मानित किया गया। ये थी हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।